अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। हम लगातार लोगों को आगाह कर रहे थे कि कोरोना एक बार फिर दस्तक दे सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर में। आज सागर के कलेक्टर ने जिले की जनता को आगाह किया है कि सतर्क रहें, महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है कोरोना। देखिए इस रिपोर्ट को क्या कहा कलेक्टर ने। लेकिन हम फिर कहेंगे, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कम से कम अगर ज़रूरत हो तब घर से निकलें, क्योंकि अब कोरोना खतरनाक रूप में आ सकता है। इस बार चीन के रास्ते नहीं बल्कि महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश में और सागर में कोरोना आ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। लेकिन मैं सागर के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी कोरोना वायरस है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। सभी बाहर निकलने से जितना बच सकें बचें, और जब भी बाहर निकलें तो फेस मास्क का उपयोग जरूर करें। मध्य प्रदेश में इस बार चीन के रास्ते नहीं बल्कि महाराष्ट्र के रास्ते कोरोना के आने का डर है। यह हम नहीं बल्कि खुद प्रशासन के मुखिया कह रहे हैं। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के सागर के कलेक्टर दीपक सिंह ने अब जिले की जनता को चेतावनी दी है। कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं बल्कि कोरोना अभी मौजूद है। कोरोना के मामले सागर में भी लगातार निकल रहे हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद अब कोरोना का संकट लोगों को परेशान कर सकता है। असल में मध्य प्रदेश की सरकार ने महाराष्ट्र से सटे जिलों के कलेक्टर को आगाह किया था कि एक बार फिर महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र की सीमा से सटे प्रदेश के जिले बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, सिवनी, बालाघाट सतर्क रहें और सावधान रहकर महाराष्ट्र से आ रहे लोगों पर नजर बनाकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर सरकार को जरूर अवगत कराएं। हम आपको बार बार अपने चैनल के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि वैक्सीन के भरोसे अभी नहीं रहें। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी एक माह तक आपको सतर्कता बरतनी होगी। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी कोरोना के केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण शासन ने निर्देश दिए हैं कि एहतियात बरती जाए। यद्यपि सागर में जनता की जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स के सतत प्रयास से कोरोना के केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन मैं सागर के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी कोरोना वायरस है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। सभी बाहर निकलने से जितना बच सकें बचें, और जब भी बाहर निकलें तो फेस मास्क का उपयोग जरूर करें। समय समय पर अपने हाथ को साबुन या सैनिटाइजर से धोते रहें, और जब भी आप बाहर निकलें तो व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें और कोरोना संबंधित जो भी गाइडलाइंस जारी हो रही हैं उनका पालन। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है। फ्रंट वॉलेंटियरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अभी वैक्सीन जनता तक पहुंचने में टाइम लगेगा। आज सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने जिले की जनता को आगाह किया कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम घर से बाहर निकलें। अगर यही आलम रहा तो एक बार फिर हम लॉकडाउन के दौर से गुजर सकते हैं। कोरोना के चलते भोपाल में धरना और प्रदर्शन रोक दिए गए हैं। सरकार और प्रशासन को कुछ ऐसी सूचना मिली है जो मध्य प्रदेश सागर के लिए ठीक नहीं है। कोरोना एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार हुआ है। इस बार अगर कोरोना ने हमला किया तो मामला बेहद गंभीर होगा। आदर्श दुबे के साथ इकराम खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज कि वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।